Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मौजूद स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित अभी मौजूद हूँ जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक पे। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि शनिवार शाम एक हिंसा हुई, जिसके बाद जो दोनों समुदाय में चीजें जो है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ गई थी, जो पूरा तरीके से हमने देखा। उसके बाद नेताओं के भी कई अलग अलग बयान आए, फिर बुलडोजर चला। ऐसे में जो जहांगीरपुरी के जो लोकल लोग हैं वो मानते हैं कि जो दोनों समुदाय में किसी भी प्रकार का बैर नहीं है और वो यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, पहले भी रहते आए हैं और वो अच्छे से रहना चाहते हैं। तो कुछ लोकल्स हम इनसे ही जानेंगे कि असल में जो संबंध है उनके बीच वो कैसे। आपका क्या नाम है और आप मुझे बताइए कब से आप यहाँ रह रहे हैं? बेटा मेरा नाम है लक्ष्मी बिष्ट, मैं रहती हूँ 76 से यहाँ। 76 में बची थी, 77 से यहाँ रहती हूँ मैं। हाँ, और पूछना। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो अब पूरा माहौल बना रखा है यहाँ पे एक समुदाय को दूसरे समुदाय को, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्यों? हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो हमें प्रेम से रहना चाहिए। अब तो लोगों ने माहौल खराब कर रखा है। और ये जो पूरी वारदात है, अभी फिर राजनीति इस पे गरमा रही है, काफी लोग अलग अलग प्रकार के जो हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अलग अलग प्रकार की बातें कर रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? इनको मैं सही दर्शन नहीं देखती, कि पार्टियां खुद कराती हैं, खुद करती हैं, और पब्लिक मारी जाती है इसमें। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपसे हम बात करेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं आप कब से रह रही हैं यहाँ पे और क्या स्थिति है। ये मेरी मम्मी का घर है, मैं अपनी मम्मी के घर से 1 साल से रह रही हूँ और यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल बांट के रहते हैं, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ के हमारे तबरेज़ भैया जो कि मोमडन हैं और मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन वो हमेशा हमारे हर दुख में सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मोमडन के त्यौहार हम भी मनाते हैं, हमारे त्यौहार वो भी मनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपने सुना हम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी आप यहाँ पे रही हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से, चाहे वो हम मीडिया के लोग हों चाहे नेता लोग हों, कि ये जो ये दंगे प्रसार नहीं होने चाहिए, ये सब पॉलिटिक्स है जो आगे वोट के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। तो ये आप देखे बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे जो है पूरा एक तरीके से कि भाईचारा है, दोनों एक दूसरे के जो त्यौहार है उसमें करते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं भी आ रहा था, देख रहा था, यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सभी भाईचारा है। तो आप भी बताइए कभी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कि एक थोड़ा सा कभी बैर वाला फीलिंग कभी आया, या फिर आप आगे कैसे करना चाहते हैं? नहीं, हमें आज 20 साल हो गए हमें रहते हुए, ये साथ में गुरुद्वारा है सामने ही, इसके सामने मंदिर है, साइड में मस्जिद है, तीनों कम्युनिटी आराम से रहती हैं यहाँ। ऐसा 20 साल से तो हमें ज्यादा हो गए रहते, आज तक यहाँ ऐसा कोई माहौल खराब करने वाली कोई बात नहीं है। ये सब राजनीति होती है, 10% हर एक कौम के अंदर आपको ऐसे आदमी शरारती तत्व मिलेंगे जो काम खराब करने वाले होते हैं। और बाकी हम, ये हमारा मुस्लिम घर है, ये मुस्लिम घर है, ये हमारे साथ में मुस्लिम घर है, हमारे ये हमारा हिंदू घर है, ये हिंदू घर है, सारे हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही रहते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.